INS विक्रांत बनाम IAC विक्रांत, पहला एयरक्राफ्ट करियर जिसे ब्रिटेन से मंगाया गया था और दूसरा वो जो खुद अपने देश में बनाया गया। पहले विक्रांत ने 36 साल देश की सेवा की। 1971 के युद्ध में इसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। पड़ोसी मुल्क के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के सामने मौत बनकर खड़ा था। स्वदेशी IAC विक्रांत को बनने में 13 साल जरूर लग गए, लेकिन ये आधुनिक, ताकतवर, क्षमतावान और घातक है। साइंस के मामले में INS विक्रांत से दोगुना बड़ा है स्वदेशी IAC विक्रांत। पुराना INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 16,000 टन था और यह मात्र 700 फीट लंबा था, जबकि IAC विक्रांत की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है, 862 फीट लंबा है और इसकी ऊंचाई 194 फीट है। स्पीड की बात करें तो INS विक्रांत 46 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता था, जबकि IAC विक्रांत 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र को चीरता हुआ निकलता है। पुराने INS विक्रांत में जो इंजन लगे थे वो उसे 40,000 हॉर्स पावर की ताकत देते थे, जबकि IAC विक्रांत में लगे इंजन उसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। पुराने विक्रांत पर कुल मिलाकर 1110 ऑफिसर या नौसैनिक रह सकते थे, जबकि नए विक्रांत में 1700 नेवी ऑफिसर्स या कर्मचारी रह सकते हैं। पुराने विक्रांत में हॉस्पिटल नहीं था, नए विक्रांत में जांच लैब के साथ 16 बेड का हॉस्पिटल भी है। 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए इन विक्रांत में पहले 40 मिलीमीटर की 16 बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी थी, जिन्हें बाद में घटाकर 8 कर दिया गया था। इसके अलावा इस पर हॉक, सी हैरियर फाइटर जेट तैनात थे। IAC विक्रांत पर MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 काव हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हो सकते हैं। भारत में अमेरिका से आया मल्टीरोल MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर इस विमानवाहक युद्धपोत पर 30 से 35 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। IAC विक्रांत पर अत्याधुनिक LCA तेजस की भी लैंडिंग कराई जा सकती है। 1961 के INS विक्रांत को अगर 26 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाते तो वह कुल 22,000 किलोमीटर तक जा सकता था। स्पीड को 43 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर मैक्सिमम 11,500 किलोमीटर की रेंज मिलती थी। अगर IAC विक्रांत की बात करें तो यह 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। विक्रांत की डिजाइन और निर्माण दोनों अपने देश में ही किया गया है। इसे बेहतरीन ऑटोमेटेड मशीनों, ऑपरेशन, शिप नेविगेशन और बचाव प्रणाली से लैस किया गया है। इसे बनाने में कोचीन शिपयार्ड के साथ साथ 550 भारतीय कंपनियों ने मदद की है।